दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा शंभू बॉर्डर से। शंभू बॉर्डर जिहड़ा सब तो पहला ब्रेक करके हरियाणे ते पंजाब दे किसान दिल्ली वालू गए सी। उत्थे हरियाणे दे किसान खड़े ने, इत्थे इन्हां ने बकायदा कैंप लाया होया भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी हरियाणा, गुरनाम सिंह चड़ूनी किसानां दे बहुत वड्डे आगू ने। तो हरियाणा सारा जिहड़ा इस वेले इस लड़ाई दे विच शामिल है। तो इन्हां ने इत्थे बकायदा लंगर भी लाया होया। तो असीं इन्हां नाल गल करनी चाहुंदे आ क्योंकि आम तौर पर कहा जाता है कि लड़ाई केवल पंजाब की है, पर जिवें मैं देख रहा भी पंजाब के बराबर ही हरियाणे के किसान इत्थे शामिल है। तो जो असी गाजीपुर बॉर्डर गए सी जां शाहजहानपुर बॉर्डर गए सी, उत्थे भी असी दस्या सी भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ते राजस्थान के सारे किसान उत्थे सी। सो इन्हां नाल गल करदे आ नौजवान किसान आगू ने। की नाम जी तुहाडा? मैं हरपाल सिंह, किसान यूनियन हलका प्रधान मुलाणा अंबाले तो। इत्थे जिहड़ा अपना धरना लग्या होया, हम गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े साडे स्टेट के प्रधान है उन्हां दी अगवाई च इत्थे 3 दिन का बंद किया, 25-26-27 टूल बैरियल फ्री किया, असंकेतिक फ्री सी किया हुआ भी चलो सरकार मन जे, लेकिन सरकार जब नहीं मनी तो प्रधान जी ने पूरे हरियाणा के किसानों की राय लैके पूरे हरियाणे के टूल बैरियल फ्री करन दा ऐलान कर दिता। जब तक काले कानून वापस नहीं लैंदी सरकार, जब तक काले कानून वापस नहीं लैंदी सरकार हरियाणे के सारे टोल भी फ्री कर दिए गए हैं। पहला संकेतक तौर पर 3 दिन लिए किए थे पर हुण सारे टोल जिहड़े आ फ्री कर दिए गए हैं। तुसीं इह दसो कि हरियाणे दे विच की स्थिति है, जिहड़ा दुष्यंत चौटाला है वह क्यों हाले तक सरकार च बनिया होया, तो उहदा फिर सियासी भविख की है? उहदा सियासी भविख कोई नहीं क्योंकि जनता ही सरोपरि हुंदी है। हुणे हुणे साडे मेयर दे इलैक्शन होए सी, चेयरमैनी दे 4-5 जगह अंबाले च भी इलैक्शन सी, अंबाले सी इत्थे JJP ते BJP दा जिहड़ा संयुक्त इलैक्शन लड़े हुए लड़े सी कैंडीडेट अंदोलन है, हुण आम जन दा अंदोलन बन चुका है, किसानां दा अंदोलन नहीं रह गया, आम जन दा अंदोलन है। कल जिहड़ी मीटिंग हुई है जिहदे च पराली वाला जिहड़ा ऑर्डिनेंस है वह रद्द करने वास्ते वह मन गए, तो जिहड़ा बिजली सोध बिल है वह भी वापस लैण नूं मन गए। तो तुसीं की समझते हो भी ये थोड़ी जी अंशक जी जित है, मुकम्मल जित किदां मिलेगी? यह जिहड़ी अंशक जित कहिंदे आ ना जी, तुसीं इह सरकार नूं पता लग गया है भी साडे तां बहुत बड़ी गलती हुई है, पर जिहड़ी अपनी सोच लैके चलते हैं भी किसान हुण किसी भी तरह के बिखर जाएंगे, हुण किसान बिखरणगे नहीं, एक एक जिहड़ी गल साडे तों खिलाफ होई हुई है उहनू अपनी नू सारे कानूनां नू वापस करा के ही सांह लैणगे। हुण किसान इह जिहड़ा उन्होंने संकेत दिता भी चलो असीं इह कर देंगे इह कर देंगे, इह उन्हां दी हार दा ही कारण है, जिहड़ा उन्होंने गलत काम किया सी उहनू वापस लैण नू तैयार होंदे रहे, आहिस्ता नू लैणे ही पैणे है। साढ़े नाल होर किसान भी खड़े आ, मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा जी भी आम तौर पर कहा जाता जिहड़ा पंजाबी किसान है उही इह च शामिल है, हरियाणे दा जिहड़ा किसान जाट है जिहड़ा ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਹ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੋਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜੀ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube 'ਤੇ।